सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। चरगुवा में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की झोपड़ी जलाने वाले मामले को लेकर स्थानीय सामाजिक संगठनों सहित क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने जन आक्रोश रैली व प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वह अत्याचार व अन्याय के विरुद्ध देवरी नगर की सड़कों पर उमड़ी जनसैलाब। आपको बता दें कि विगत 24 सितंबर 2021 को स्थानीय वन अमले द्वारा ग्राम चरगुवा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के साथ हुए बर्बरतापूर्वक अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध स्थानीय किला मैदान देवरी में एकत्रित जन समुदाय द्वारा देवरी नगर की सड़कों पर रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। रैली में उपस्थित जन समुदायों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। गौडवाना महासभा जयस भीम आर्मी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अगुवाई स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने की। कार्यक्रम स्थल किला मैदान में आम सभा का कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका दीदी, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी अंचला आठिया, जेएस जिला अध्यक्ष इंजी रंजत दीवाना, गौडवाना महासभा जिला अध्यक्ष प्रहलाद उइके, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, अखिल भारतीय संत रविदसिया धर्म संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह अहिरवार, आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामाशंकर आदिवासी सहित अन्य पदाधिकारी व हजारों लोग उपस्थित रहे। सभा के बाद विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो रैली किला मैदान देवरी से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति के नाम का 9 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन SDM को सौंपा गया। इस दौरान देहरी क्षेत्र के व अन्य स्थानों से आए लोगों का जनसैलाब उपस्थित रहा। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। अन्य संगठन के लोगों ने, भीम आर्मी भी उसमें शामिल है, जय संगठन है, आदिवासी विकास परिषद भी है, OBC क्रांति सेना भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, हम लोगों ने एक ट्रेलर दिखाया है और सरकार और प्रशासन को आगाह किया है कि हमारी खामोशी को नज़रअंदाज ना करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा हुई है चरगुवा में। कलेक्टर महोदय उस दिन आए थे, कलेक्टर SP दोनों थे, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि अमानवीय घटना है। यदि अमानवीय जिले का प्रभारी जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, यदि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अमानवीय कृत्य हुआ है, तो उस अमानवीय कृत्य में जो शामिल लोग हैं उनके ऊपर कौन से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उन वनभूमि पर काबिज लंबे समय से 2-3 दशक से काबिज वनभूमि पर काबिज लोगों को पट्टे क्यों नहीं दिए गए, ये भी हम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उन दो भाइयों का क्या दोष था, उन निर्दोष लोगों का क्या दोष था, कौन से संविधान में बाबा साहब के संविधान में प्रावधान है कि हम आवास जला दें, झोपड़ी जला दें, किसी का आशियाना जला दें, एक किस नियम में वन विभाग को अधिकार शासन ने दिया है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से बेहद दुखद है, बेहद पीड़ादायक है और निश्चित रूप से हम सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहद कष्ट पीड़ादायक है और इसका समय पर हम लोग इसका हिसाब पक्का करेंगे। आंदोलन में शामिल हुए, क्या ज्ञापन दिया है हमको? देखिए, चरगुवा में जो 24 तारीख को घटना हुई, 19 दलित और आदिवासी परिवारों के मकान जला दिए गए, उनके लिए कलेक्टर महोदय से जब हमने बात की तब उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन में इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, परंतु कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। हमने जो मांग की थी कि सारे आदिवासी परिवारों को पट्टे दिए जाएं और सबसे मुख्यतः जो मांग की थी कि जिन्होंने मकान में आग लगाई है ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध SC ST एक्ट और आगजनी के मुकदमा दर्ज किया जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना उन परिवारों के लिए किसी प्रकार की मदद दी गई। हमने मांग की थी कि आदिवासियों के लिए पट्टे दिए जाएं और उस पट्टों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर उनको मकान बनाकर दिए जाएं, परंतु 10 दिन बीत जाने के पश्चात भी प्रशासन ने कोई हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। उसके विरोध में आज हम SDM महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। अपराधियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो भीम आर्मी आगे क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल,
यदि अपराधियों पर कार्यवाही नहीं होती और हमारे आदिवासी भाइयों को जमीन के पट्टे नहीं दिए जाते हैं और उनके लिए मकान बनाकर नहीं दिए जाते हैं, तो भीम आर्मी और जयस दोनों, जिनके लिए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आतंकवादी और षड्यंत्रकारी संगठन है, हम कहते हैं हम समाज सेवी हैं, पर यदि समाज की बात उठाना, अपने अधिकारों और हकों के लिए लड़ना आतंकवाद है, तो हाँ हम हैं आतंकवादी, परंतु हम सांस उसी दिन लेंगे जब हमारे आदिवासी परिवारों के लिए जमीन के पट्टे मुहैया कराए जाएंगे और उन पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी और जयस मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। अभी तो ये सिर्फ टेलर दिखाया है, इसके पश्चात मध्य प्रदेश पूरा आग में जलेगा। आप हमारे लिए मामूली ना समझे, हमारा संगठन कोई दिखाऊ संगठन नहीं है, ना हम कोई राजनीति करते हैं, हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है और हम समाज की SC ST OBC माइनॉरिटी सभी की लड़ाई लड़ते हैं और उनके लिए हक अधिकार दिलाने और उनके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यदि उनके लिए ये जो हमने आज मांगे रखी इन पर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेगी भीम आर्मी और जयस मिलकर। आज आदिवासी संगठन और अन्य संगठनों के माध्यम से जो चरगाहों की घटना हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि एक मांग वन अधिकार पट्टों की मांग है। तो हमने ये उनको बोला है कि यदि वो ऑनलाइन आवेदन कर दें, चूँकि इसकी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन आवेदन करा दिए जाएँ, यदि नियमानुसार वो पात्र होंगे तो उनको वन अधिकार पट्टे जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा उनकी मांग है कि जो आगजनी की घटना हुई है उसमें जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो आगजनी का धारा है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में मुझे जो जानकारी है, जो पुलिस से जानकारी मिली है कि इसमें जिले से एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जाँच के लिए और वो जाँच कर रहे हैं, अभी जाँच पूरी नहीं हुई है उनकी, और यदि आगजनी के साक्ष्य आते हैं कथन में तो वो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। एक इनकी मांग है कि जो आर्थिक सहायता दी जाए तो नियमानुसार वो आवेदन करें, हम उनका परीक्षण करेंगे, यदि किसी प्रावधान के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जा सकती तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे।